आदर सम्मान के प्रधानाचार्य जी और अध्यापकों, आज हिंदी दिवस के अवसर पर मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी अंग्रेजी का शब्द मेरे मुंह से ना निकले। रोजाना तो मैं आपको सिखाता हूं कि भाई आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, वो उसका रीजन सिर्फ यही है, उसका कारण सिर्फ यही है कि उस समय की एक मांग है। हम लोग आपको ये बताने में कोई गर्व महसूस करते हैं कि हिंदुस्तानी तो हम है ही, सभी को पता है, इस बात को नकार नहीं जा सकता कि हम हिंदुस्तानी हैं। इसीलिए हिंदुस्तान का मतलब ही हिंदी है और हिंदी का मतलब ही हिंदुस्तान है। इस भाषा को हम कितना भी नकार लें, लेकिन ये तो अपनी मातृभाषा है। मातृभाषा का मतलब होता है जो अपनी माँ से हम भाषा सीखते हैं वो मातृभाषा होती है, और ये एक जननी है। पूरे विश्व में हिंदी को जो सम्मान प्राप्त है, मेरे हिसाब से किसी भी भाषा को नहीं है। हिंदी सभी भाषाओं की जननी है, इसी से और भाषाओं का जन्म हुआ है। सभी बच्चे हैरानी से देख रहे हैं कि आज सब किस तरह से बोल रहे हैं। मैं इस दिन को एक दिवस के रूप में मनाने में थोड़ी सी हैरानी महसूस करता हूँ, क्योंकि हिंदी तो हमारी प्रतिदिन की भाषा होनी चाहिए। अब वो समय की एक मांग है कि हम उसको सीखना पड़ रहा है। मैं अध्यापकों से या जो भी मेरे से अच्छे कुशल अध्यापक हैं, उनसे एक प्रार्थना करूंगा, आप खुद अपने आप को अनुसरण करें या खुद से अपने आप को एक निरीक्षण करें। आप किसी भी विद्यालय में जाते हो, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि आपको फ्लुएंसी है, आपका जो स्तर है बोलने का इंग्लिश का वो अच्छा है, ये बात है कि नहीं है। सबसे पहले चाहे आप हिंदी टीचर हो, हिंदी के अध्यापक हो, या गणित के अध्यापक हो, या फिर आप किसी भी और संख्या के अध्यापक हो, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है आपको इंग्लिश आती है। उसके बाद अगर आप एक अंग्रेजी के अध्यापक हैं तो भी आपसे ये तो आपसे उम्मीद की ही जाएगी कि आपकी फ्लुएंसी अच्छी हो। वो सिर्फ समय की एक मांग है। मुझे हिंदी के बारे में इतना ही पता है कि 14 सितंबर 1953 को केंद्र के द्वारा इसको संविधान के द्वारा केंद्र की भाषा मानी गई है। केंद्र की भाषा मतलब कि जो भी अपने काम काज होंगे, पूरे देश के कार्य होंगे, वो सब हिंदी में ही होंगे। उसका कारण यह था क्योंकि गुलामी हम बहुत सहन कर चुके थे, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के द्वारा हमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया था, उससे छुटकारा पाने के लिए हिंदू होने के नाते हमें हिंदी भाषा का सम्मान करना चाहिए। और मैं पुष्पा जी और मीनू जी का धन्यवाद करता हूँ जो बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी हिंदी भाषा का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं विद्यालय में। और सभी बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ, भाषा तो सिर्फ ये सोच के मत सीखो कि एक भाषा है, वो एक रोजगार का जरिया भी है। इसलिए जितना हो सके इस दिवस को मनाने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आज हमने हिंदी बोल दी, कल से फिर से वही चीजें, उसको भी इतना सम्मान दो जितना आप दूसरी भाषाओं को देते हो। अगर हम सिर्फ इंग्लिश और अंग्रेजी ही सीखते रहे और इसको हमने पीछे छोड़ दिया तो हम अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि हिंदी अपनी जननी है और जननी मतलब माता जिसने हमें जन्म दिया है। ये जो फ्रेंच है और इटालियन है, जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब हिंदी, और हिंदी की भी जन्म जो मातृभाषा है वो है संस्कृत। हमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। इस मौके पर कम से कम आज एक अंग्रेजी प्राध्यापक, सॉरी माफी चाहूंगा, प्राध्यापक अध्यापक होने के नाते मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा, इस भाषा को सीखो, इसका अनुसरण करो, लेकिन अंग्रेजी भाषा को समय की मांग के अनुसार हमें सीखना जरूरी है। एनवायरमेंट को सिर्फ अंग्रेजी का यहाँ पे बनाना है, क्योंकि वो समय की मांग है, और जो चीजें समय के साथ चलती हैं, जो अपने आप को समय के साथ चलाता है, वही व्यक्ति सफल होता है। मेरा मानना तो सिर्फ इतना ही है। वैसे कुछ
से कोशिश करते हैं इंग्लिश सीखने की, वो लोग जो कमी करते हैं, मैं थोड़ा सा प्रकाश की अंग्रेजी भाषा में भी डालूंगा और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पुष्पा मैम से, क्योंकि मेरी भी भाषा है, और थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा कि ये समय की एक डिमांड है, समय की मांग है, इसलिए जितना हो कि आप कंटिन्यू लगातार उस भाषा को लो। आप कोई भी यहाँ पे जितने भी अध्यापक हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, ऐसा कौन सा अध्यापक है, चाहे वो हिंदी अध्यापक हो, वो हिंदी में हस्ताक्षर करता हो। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई भी हिंदी अध्यापक भी साइन अपन अगर अपने करता हस्ताक्षर करता वो भी इंग्लिश में करता है, तो ये तो अपने अंदर समा ही गई है हिंदी को। जितनी भी आप यहाँ पे बोलने की कोशिश करोगे उसमें से आधे से ज्यादा तो आप अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। शुद्ध उच्चारण आप हिंदी का नहीं कर सकते, अगर आप करना भी चाहो। कुछ शब्द हैं जो मैंने यहाँ निरीक्षण किया है जो आप गलत बोलते हो, गलत मतलब कि जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे विश्व, ये विश्व नहीं है, विश्व है मेरे हिसाब से। बाकी पुष्पा मैम ऐसे अच्छे ज्ञाता है, वो इसको और अच्छे तरीके से बताएंगे। कुछ लोग बोलते हैं संकल्प, ये भी एक गलत शब्द है, संकल्प होता है विश्व संकल्प। और समय की अगर थोड़ी सी अनुमति हो तो मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा। मैं इतना चाहूंगा जो यहाँ पे मंच को संभाल रहे बच्चे हैं,